स्वागत है आपका और ट्रेड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक खबर, बीजेपी ने 7 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। मैनपुरी से जयवीर सिंह ठाकुर को टिकट दिया गया है, जबकि कौशाम्बी से विनोद सोनकर को टिकट मिला है। फूलपुर से प्रवीण पटेल को टिकट दिया गया, इलाहाबाद से नीरज त्रिपाठी को टिकट मिला है, रीता बहुगुणा जोशी को टिकट कटा है। बलिया से नीरज शेखर को टिकट दिया गया, मछली शहर से बीपी सरोज को टिकट मिला, गाजीपुर से पारसनाथ राय को बीजेपी का टिकट। तो 7 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है, वो सिलसिलेवार नाम और चेहरे भी हम आपको दिखा रहे हैं कौन कौन से प्रत्याशी हैं लोकसभा चुनाव के लिए जिन पर दाव बीजेपी ने चला है। 7 प्रत्याशियों की सूची में मैनपुरी से जयवीर सिंह ठाकुर को टिकट दिया गया है, कौशाम्बी से विनोद सोनकर है जिनको बीजेपी का टिकट मिला, फूलपुर से प्रवीण पटेल को टिकट मिला है, जबकि इलाहाबाद से नीरज त्रिपाठी को टिकट दिया गया है, जबकि रीता बहुगुणा जोशी का टिकट कटा है। बलिया से नीरज शेखर को टिकट मिला है, मछली शहर से बीपी सरोज को टिकट दिया गया है, गाजीपुर से पारसनाथ राय को बीजेपी का टिकट मिला है। तो ये वो सीट्स और वो नाम जिनको टिकट दिया गया है। समाजवादी पार्टी के गढ़ में अब यूपी सरकार के एक और मंत्री जो है वो ताल ठोकेंगे। जयवीर सिंह का टिकट जो है वो कंफर्म हो गया और अनाउंसमेंट हो गई। मैनपुरी आप वहां से विधायक भी हैं, कुछ नया नहीं है आपके लिए, लेकिन चुनौती कितना मान रहे हैं? देखिए, मैनपुरी सदर जहां से मैं एमएलए हूं, नए प्रसिद्ध के बाद ये भी अवैध किला ही समाजवादी पार्टी अपने को कहती थी। लगातार समाजवादी पार्टी का कब्जा था, लेकिन जन आस्था, जन सैलाब, जन समर्थन के बल पर उस किले को ढहाने का काम भी जयवीर सिंह ने किया था, और जनता के ही बल पर हम कह सकते हैं कि इस बार पार्लियामेंट में भी समाजवादी का किला ढहेगा, कमल खिलेगा, भावा लहराएगा। चूंकि आपका इतिहास रहा है कि यादव परिवार के कई लोगों को आपने हराया है नौ में, तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि इसीलिए शायद जो है किन्नी नेतृत्व में आप पर भरोसा किया? हमें लगता है कि गांव के प्रधान से लेकर ब्लॉक प्रमुख से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से लेकर असेंबली से लेकर सगे संबंधियों को ही हराते हुए हम लोग यहाँ तक हैं। सब सैफई परिवार, उनके रिश्तेदार, उनके नातेदार, उनके परिवार के लोगों को हमेशा हमने सामने के चुनाव हुए हैं, और ईश्वर की असीम अनुकंपा है कि हम लोगों को ईश्वर की कृपा से सफलताएं अर्जित हुई हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार भी मैनपुरी की जनता की अगाध विश्वास और आशीर्वाद हमें मिलेगा, और निश्चित रूप से मैनपुरी पर कमल खिलेगा और भगवा लहराएगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जयवीर सिंह जी हैं जिनको मैनपुरी से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, और लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि जयवीर सिंह को ही मैनपुरी से चुनाव लड़ाया जाएगा, तो फिलहाल बीजेपी आलाकमान ने उनके नाम पर मोहर लगा दी है। कैमरामैन देशा सिंह था, विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। और विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, कम सीधे रुक लेते हैं। विशाल, सीधे तौर पर देखा जाए तो लिस्ट जारी हो चुकी है, एक और 7 नाम सामने आ चुके हैं, जयवीर सिंह को मौका मिला, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो रीता बहुगुणा जोशी का टिकट काटा भी गया है। देखिए बिल्कुल, अगर आप इन पूरे 7 नामों को देखिए तो सब जगहों पर जो है ज्यादातर आप देखिए बदलाव दिखाई पड़ेगा। बलिया से वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट काट दिया गया, किसान नेता थे और ऐसे में उनका टिकट काट कर वहाँ से नीरज शेखर, जो चंद्रशेखर जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उन बेटे नीरज शेखर को जो है टिकट दे दिया गया। अब उसके बाद अगर आप इस बेल्ट में आइए, मछली शहर, तो बीपी सरोज को जो है टिकट दिया गया, और अब हम फूलपुर की बात कर लेते हैं तो फूलपुर से केसी देवी पटेल का जो टिकट है वो कटना बिल्कुल तय माना जा रहा था। वहाँ पर प्रवीण पटेल जो एक बार जो विधायक भी हैं वहाँ से उनको जो है वहाँ से टिकट दिया गया। इसके साथ साथ अगर हम कौशाम्बी की बात करें तो विनोद सोनकर पर भरोसा जताया गया, तीसरी बार जो है विनोद सोनकर को टिकट दिया गया, तो ये कह सकते हैं कि विनोद सोनकर पर जो है आलाकमान ने भरोसा जताते हुए उनको रिपीट किया। अब इलाहाबाद की बात कर लेते हैं, प्रयागराज की बात कर लेते हैं, तो रीता बहुगुणा जोशी का टिकट काट के केसी नाथ त्रिपाठी के बेटे नीरज जो त्रिपाठी हैं उनको टिकट दिया गया है, और ये कह सकते हैं कि एक सीधे तौर पर एक बड़ा ब्राह्मण कार्ड जो है वो प्रयागराज में खेला गया है। अब इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो देखिए अभी भी 5 सीटें ऐसी हैं जिन पर अभी बीजेपी मंथन कर रही है, जिसमें देवरिया है, कैसरगंज है, रायबरेली है, भदोही है, ये 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर जो है अभी तक ये नहीं तय हो पा रहा है कि प्रत्याशी कौन होगा, तो इन सब चीज़ों को लेकर भी मंथन जो है वो कर रही है। लेकिन मैनपुरी का जो नाम था वो चौंकाने वाला था, क्योंकि जयवीर सिंह को लेकर अटकलें थी कि उनको चुनाव लाया जाएगा, लेकिन उस पर मोहर लग गई है। मैनपुरी से ही विधायक भी हैं जयवीर सिंह, और उनको जो है इस बार जो है डिंपल यादव के सामने चुनाव
चुनाव लड़ाया जा रहा है। हालांकि कई चल रही थी कि वहां से संगमित्रा को लड़ाया जा सकता है, इसके साथ साथ दो तीन नाम और चल रहे थे, लेकिन जयवीर सिंह का नाम परसों जब वो जेपी नड्डा से मुलाकात किया उसके बाद से चर्चा में आया। आज सुबह भी जब हमने उनसे बात की तो इस बात के उन्होंने संकेत दिए, हमने जब उनसे पूछा तो उन्होंने इस बात के संकेत दिए थे कि वो तैयार हैं, तो फिलहाल केंद्रीय नेतृत्व में उन पर भरोसा जताया और उनका नाम जो है अनाउंस किया है। तो ये पूरा जो एक समीकरण है, गाजीपुर की जो सीट है, देखिए पूर्वांचल से गाजीपुर अफजाल अंसारी वहां से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है, वहां से आपके पास सौरती विशाल, बीपी सरोज भी इस वक्त हमारे साथ मछली शहर से जुड़ चुके हैं। बीपी सरोज जी बहुत स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। बीपी सरोज जी, जिम्मेदारी आपको दी गई है, भरोसा भी आप पर जताया गया बीजेपी की तरफ से, क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, दय से आभार प्रकट करता हूँ, और जो जिम्मेदारी उन्होंने दिया है, और मैं मछली शहर लोकसभा की देवतुल्य जनता कार्यकर्ता सब मिल करके उसको निभाने का काम करेंगे पूरे निष्ठा ईमानदारी के साथ। और जो है पार्टी ने जो विश्वास जताया है हर तरह से जो है उसमें हम सब लोग खड़े उतरेंगे, और मछली शहर से जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का यह नारा है कि अब की बार 400 के पार, तो मछली शहर से एक और कमल उसमें सम्मिलित होगा और मैं समझता हूँ कि प्रचंड जीत के साथ सम्मिलित होगा। बिल्कुल बीपी चहर जी, मछली शहर की खासकर अगर बात की जाए तो जाहिर तौर पर आपको जिम्मेदारी दी गई है कुछ सोच समझकर, आपकी प्राथमिकता क्या रहने वाली है? जीत को लेकर आप आश्वस्त नजर आ रहे हैं और कह भी रहे हैं यहाँ पर एक और कमल खिलेगा, तो मछली शहर के लिए आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी? हमारी प्राथमिकताएं जो हमारी सरकार जो है सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के तर्ज पर काम कर रही है बिना कोई भेदभाव का, आगे भी जो भी हमारे क्षेत्र का चाहे सड़क बिजली पानी स्वास्थ्य शिक्षा हर पहलू पर सरकार स्वयं काम कर रही है, और हम जो है सरकार का एक सहयोगी बन करके हम मछली शहर के विकास के कार्यों में अपनी भूमिका जनता के सहयोग से करने का काम करेंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बीपी सरोज जी। बीपी सरोज जी हमारे साथ जुड़े हुए थे मछली शहर से, जिनको टिकट दिया गया, जिन पर उम्मीदवारी जो है बीजेपी ने अपनी रखी, और कॉन्फिडेंस जो है वो उनका बरकरार है और कह रहे हैं 400 पार होगा, और इसी के साथ एक कमल मछली शहर से भी खिलता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल लिस्ट जारी हो चुकी है, 7 जो नाम है वो सामने आ चुके हैं चेहरों के साथ, कौन कौन कहां से होंगे। विशाल भी हमारे साथ लगातार बने, विशाल का एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। विशाल, कैंडिडेट क्योंकि लगातार घोषित किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, भले ही कुछ नाम अभी रह रहे हैं कुछ सीटों पर, लेकिन बीजेपी जो है अपने चुनाव प्रचार में लगातार लगी हुई है, और एक ये पॉजिटिव संकेत है जहां विपक्ष जो है अभी सोच में ही बिजी है, दूसरी तरफ बीजेपी लगातार प्रचार प्रसार खुलकर कर रही है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर बीजेपी की ये सूची है, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं देखने को मिल रही हैं। खासतौर से अगर आप देखिए तो जैसा कि मैं अभी जिक्र कर रहा था गाजीपुर से पार्थनाथ राय को जो है टिकट दिया गया है, आशुतोष राय के पिता हैं, और सबसे खास बात है मनोज सिन्हा के सबसे करीबी लोगों में से एक माने जाते हैं, और इसी वजह से शायद उनको जो है गाजीपुर से टिकट दिया है। इस बार चूँकि अफजाल अंसारी फिर से चुनावी मैदान में है, और गठबंधन का जो है सीधे तौर पर जो सपा और कांग्रेस का गठबंधन है उसके प्रत्याशी हैं, तो ऐसे में मनोज सिन्हा 2019 में जरूर जो है अफजाल अंसारी से हार गए थे, लेकिन पार्थनाथ राय के लिए जो है लगातार जो है अब वो वहाँ पर जो है प्रचार करते हुए नजर आ सकते हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर जो सीधे तौर पर जो एक सीट की जो लड़ाई है गाजीपुर सीट की लड़ाई वो बड़ी दिलचस्प हो जाएगी, क्योंकि मनोज सिन्हा पहले ये अटके लगाई जाए थी कि मनोज सिन्हा जो है शायद जो है वहाँ से चुनाव लड़ जाएँ, इसको लेकर चर्चा थी कि मनोज सिन्हा अपने बेटे के लिए भी टिकट चाह रहे थे, इसकी भी एक बड़ी चर्चा थी, लेकिन अब फिलहाल ये कह सकते हैं कि पार्थनाथ राय जो है वो वहाँ से प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे, और ये बीजेपी के लिए एक बड़ा ट्रंप कार्ड भी होगा, क्योंकि बीजेपी ये जान रही थी कि हो सकता है कि गाजीपुर में थोड़ा सा विरोध भी अगर मनोज सिन्हा अपने बेटे को लड़ाते हैं तो हो जाए दूसरा धड़ा, तो ऐसे में पार्थनाथ राय पुराने जो है संघ के जो है रहे हैं पदाधिकारी, तो ऐसे में उन पर जो है दांव खेला गया है। आशुतोष राय उत्तर प्रदेश में पूर्व जो है प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा रह चुके हैं, अनुराग ठाकुर की टीम में रहे थे, तो ऐसे में युवा जो मोर्चा की जो टीम थी वो उनको मदद मिल सकती है, तो इस तरह की जो समीकरण है ये फिलहाल जो है वहाँ पर पार्थनाथ राय के लिए जो है बेहतर अनुकूल साबित होंगे, और इसीलिए शायद उनका नाम चयन किया गया। बलिया में उपेन्द्र तिवारी लगातार वहां पे जो है पैरवी कर रहे थे, लेकिन उपेन्द्र तिवारी जो है फिलहाल वहाँ से जो है उनका टिकट काट दिया गया है, और वहाँ से नीरज शेखर टिकट दे दिया गया। नीरज शेखर राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, और सबसे महत्वपूर्ण है कि नीरज शेखर विशाल यानी कि अदला बदली भी हुई है, कुछ नए चेहरे भी आए हैं और पुराने चेहरे जो है उनके टिकट काटे भी गए हैं। बहुत शुक्रिया विशाल आपका तमाम जानकारी देने के लिए। सात नाम जो है वो सामने आए हैं बीजेपी की तरफ से, और प्रत्याशियों की सूची जो है वो जारी कर दी गई है।